Hello students, in this lecture of chemical equilibrium, we are going to solve some numerical problems based on law of chemical equilibrium and on the factors which influence the value of equilibrium constant. In the last lecture, we discussed how to write an expression for an equilibrium constant in terms of concentration of all reagents, that is reactants and products, and in terms of partial pressure of all the reagents. We also established a relationship between Kp and Kc. And here is the relationship as Kp is equal to Kc or T raised to the power delta Ng. Here delta Ng is the difference of number of moles of gaseous product to the number of moles of gaseous reactant. And R is the universal gas constant, T is temperature, but remember always in Kelvin. Kc equilibrium constant in terms of concentration of all reagents and Kp equilibrium constant in terms of partial pressure of all reagents. So, आज का लेक्चर जो है वो पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे और आपके जितने भी मिसकंसेप्शंस अभी तक रहे होंगे वो दूर हो जाएंगे. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्चुअली हमें एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट देते हैं. जो भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी उसके एप्लीकेशन क्या है वो हम आज सीखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन से ही एक्चुअली कोई भी चीज अच्छे से समझ आता है. तो लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो कैसे लिखी जाती है. जैसे मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है N1A plus N2B gives M1C plus M2T. एक जनरल सी इक्वेशन है जो कि किसी हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है. यहाँ पे जो N1, N2, M1 एंड M2 है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है और यहाँ पे A और B रिएक्टेंट्स हैं, C एंड D प्रोडक्ट्स हैं. और मैं अज्यूम करता हूं सारे के सारे reagents, यानी reactants और products, वो सारे क्या है gases है. तो देखो जब भी मुझे equilibrium constant की expression आप लिखनी है तो मैं लिखूंगा Kc, which is equal to, Kc किसके बराबर होता है, the product of molar concentration of the products raised to the power their stoichiometric coefficients to the product of molar concentration of the reactants raised to the power their stoichiometric coefficients. So मैंने क्या लिखा, product यानी multiplication, molar concentration of products, products की multiplication, molar concentration को मैंने multiply किया और इनके powers को raise to the power किया जो इनको stoichiometric coefficients थे, divide में मैंने reactants की molar concentration को पहले multiply किया, this is the molar concentration of one reactant, this is the other, I multiply them first and then मैंने फिर क्या किया, stoichiometric coefficient को raise to the power लाया. तो इस हिसाब से इस reaction की Kc value बन जाती है. तो अगर Kp value बनना होगा तो हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी जो है दैट इज द पार्शियल प्रेशर. सो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये है पार्शियल प्रेशर सी, ये है पार्शियल प्रेशर डी, इनको पहले मल्टीप्लाई किया, रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, M1 एंड M2 इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, और फिर डिवाइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स वो A एंड B था, तो P एंड P भी, और द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स इनका प्रोडक्ट लिया, रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 और M2. तो उसके बाद हमने ये रिलेशनशिप ऑलरेडी प्रूव की है कि Kp is called Kc or T raised to the power delta Ng. तो अब इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, चाहे Kc का वैल्यू है Kp का वैल्यू, जो मेन बात है इसमें वो ये कौन सी कंसंट्रेशन है, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या फाइनल कंसंट्रेशन है, ये कौन सी कंसंट्रेशन है या बीच वाली कोई कंसंट्रेशन है. देखो जब भी किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम आता है तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ स्टडी कराए हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होती है, और फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होती है. इस पॉइंट पे जो कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म रह जाती है, चाहे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वो भी कॉन्स्टेंट, चाहे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन वो भी कॉन्स्टेंट, और वही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की या जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, बिकॉज दीज आर दोज कॉन्सेंट्रेशन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये वो वाले कॉन्सेंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड आए हैं. तो ये थी वो कॉन्सेंट्रेशन. आज के लेक्चर पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, हम एक एक्सप्रेशन को आगे चलाएंगे, दैट इज Kp इज कॉल्ड Kc आर टी रेज्ड टू द पावर डेल्टा Ng, और इसकी कुछ खास वैल्यूज देखेंगे, खास पर्टिकुलर केसेस देखेंगे. उसके बाद मुझे एक और इक्वेशन डिराइव करनी है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kx, क्योंकि मैंने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो उसके भी एक रिलेशन है, और देन We will go for the numericals. पहले easy numerical करेंगे ताकि आपका concept build हो जाएगा, numerical approach develop हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ numericals, NEET, JEE जैसे exam से आते हैं वो कर लेंगे.
तो आप तैयार हो न्यूमेरिकल इसके लिए, चले स्टार्ट करके। केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। तो यह है इक्वेशन जिसको मुझे आगे चलाना है, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। अब इसको मैं कुछ स्पेशल केसेस देखूंगा, इसके स्पेशल केसेस क्या बनेंगे ये देखो आप। ये जो आर है, रिमेंबर दिस आर इज 0.082, क्योंकि यही वैल्यू आर का इन यूनिट्स ऑफ एटीएम लीटर पर मोल पर कैल्विन है। ये वैल्यू आर का इन यूनिट्स ऑफ एटीएम लीटर पर मोल पर कैल्विन है, और यहां भी प्रेशर और कंसंट्रेशन आएंगे, इसलिए यही यूनिट यही वैल्यू हमें लेना है। ये जो टेम्परेचर है इट इज डेफिनेटली टेकन इन कैल्विन, इसको कैल्विन में लेना है आपको। और पहले मैं आरटी का वैल्यू देखूंगा, देखो आरटी का वैल्यू R is roughly, ये जो वैल्यू है ना 0.082, इसको मैं अगर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा इट इज roughly इक्वल टू 1/12, यानी 1/12 को अगर फिर आप सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 0.081, सो इट इज फ्रैक्शनल वैल्यू इज roughly 1/12। सो किस टेम्परेचर पे 1/12 यानी RT का वैल्यू किस टेम्परेचर पे 1 बनेगा, RT विल बी इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होगा व्हेन T इज इक्वल टू 12 केल्विन, जब T 12 केल्विन होगा। इस बात को समझते हो, देखो कैसे R 1/12 है, क्या मल्टीप्लाई करना है, यानी T से मल्टीप्लाई होगा, क्या T मल्टीप्लाई करना है कि ये 1 बनेगा 12 से, तो 12 केल्विन मल्टीप्लाई हो जाएगा इट विल बिकम इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होंगे। सो 12 केल्विन पे RT का वैल्यू 1 है, और 12 केल्विन से बड़े वैल्यू पे RT का वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली 1 से ज्यादा। सो देखो फॉर RT विल बी ग्रेटर देन 1 व्हेन टेंपरेचर इज ग्रेटर देन 12 केल्विन। अब इस 12 केल्विन टेम्परेचर को गौर से देखो, ये कौन सा टेम्परेचर है, इट इज वेरी स्मॉलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि 0 केल्विन तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिस पे गैसेस सीज करते हैं देयर मोशन, यानी गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज होते हैं, गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ही चेंज होते हैं 0 केल्विन पे, और 12 केल्विन इज क्लोज टू दैट, दैट मींस इट्स दिस टेम्परेचर इज नॉट अटेनेबल इन द लेबोरेटरी, नॉट एनी रिएक्शन विल टेक प्लेस एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर रिएक्शन इज टेक प्लेस नहीं हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आपकी रिएक्शन। तो इसका मतलब जब मुझे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, जो भी रिएक्शन हो जाएगी वो इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हो जाएगी, तो आरटी का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 12 केल्विन से ज्यादा वैल्यू होगा तो आरटी का वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा, ए 1 से बड़ा हो जाएगा, आरटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर फ्रैटिटी पर्पस, रिमेंबर इट। सो आरटी का वैल्यू आरटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, आरटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल रिएक्शंस, क्योंकि कोई रिएक्शन में लेस देन 12 टेम्परेचर एंड 12 केल्विन पे करूंगा ही नहीं 12 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब RT जब ग्रेटर देन 1 है उससे क्या होगा, उससे ये चीज होगा RT रेज टू द पावर, अगर डेल्टा एनजी 0 होगा इट विल बिकम 1, RT रेज टू द पावर अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव 1 पे पॉजिटिव 1 से ज्यादा वैल्यू पे पॉजिटिव पावर डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, और RT अगर RT पे नेगेटिव पावर होगा तो 1 से ज्यादा वैल्यू पर नेगेटिव पावर दैट मीन्स वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/RT, और आरटी फिर उस पे पॉजिटिव पावर, आरटी पे पॉजिटिव पावर तो दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1, 1 पे ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स लेस देन 1। देखो अब नाउ केसेस, अब केसेस देखते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अब जब डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 होगा तो आप क्या करोगे, आप इस वैल्यू में डेल्टा एनजी को इक्वल टू 0 रखोगे और आरटी रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट केपी इज इक्वल टू के सी आरटी रेज टू द पावर 0, इज इट ओके, यस, सो केपी इज इक्वल टू के सी। केस सेकेंड, वो वाली रिएक्शन जिसके लिए आपको डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब डेल्टा एनजी आपको ग्रेटर देन 0 होगा आरटी क्या होगा आपके पास, आरटी रेज पावर डेल्टा एनजी वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो केपी इज इक्वल टू के सी आरटी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी, सो वो बनेगा आपको केपी बाई के सी इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज हियर इन दिस केस दिस इज ग्रेटर देन 1, so kp will be greater than kc, kp greater than kc। third case, चलो यहां पे लिखता हूं, case third, when delta ng is less than 0, negative power, so kp is equal to
Kc Rt raised to the power negative power. Rt पे negative power को less than 1. So Kp by Kc less than 1. Kp less than Kc. Kp less than Kc. तो इसका मतलब वो वाले रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है उनके लिए केपी और केसी बराबर होता है. वो सारे रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है उनके लिए केपी ग्रेटर देन केसी होगा. और वो वाले रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, हो सकते हैं ऐसे भी रिएक्शन हो हमारे पास, वो उन सारे रिएक्शन के लिए केपी लेस देन केसी. तो ये स्पेशल केसेस थे केपी और केसी से. तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बोलना है कि डेल्टा एन जी के बेसिस पे Kp greater than होगा, less than होगा या equal to होगा. Suppose question एक है, which among the following reactions has Kp equal to Kc? किस reaction को Kp Kc के बराबर है? Reaction चार है हमारे पास, like PCl3 plus Cl2 gives PCl5. Assume करना सारे के सारे reactant जो है वो gases form में है. दूसरी, N2 plus 2 times O2 gives 2 times NO2. Third, N2 plus O2 gives 2 times NO. Fourth reaction, N2 plus 3 times H2 gives 2 times NH2. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बोलना है किस वाले रिएक्शन के लिए Kp और Kc का वैल्यू सेम होगा, यानी जस्ट आपको देखना है किस वाले रिएक्शन को डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है. बहुत इजी है. पहले रिएक्शन देखो, अगर इसका डेल्टा एन जी कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट साइड से कितने मोल्स हैं? PCl5 का एक ही मोल, माइनस रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स हैं? PCl3 का एक, Cl2 का एक, 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2. सो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, 0 के बराबर नहीं है. तो ये वाला ऑप्शन नहीं है. N2 plus 2 times O2 gives 2 times NO2. बोलो प्रोडक्ट साइड कितने गैसेस मोल्स हैं? दो गैसेस मोल्स. किसके? NO2 के. रिएक्टेंट साइड कितने गैसेस मोल्स? 1 plus 2, 3 गैसेस मोल्स. किस किसके? N2 का एक और O2 के दो. तो 2 minus 3 that is minus 1. इसका भी Kp Kc के बराबर नहीं होगा क्योंकि डेल्टा Ng is not equal to 0. N2 plus O2 gives 2 times NO. बोलो प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स हैं? दो मोल्स हैं. ओके लिखा मैंने दो. रिएक्टेड साइड कितने मोल्स हैं? 1 नाइट्रोजन का, डाइनाइट्रोजन गैस का, और 1 डाइऑक्सीजन गैस का, दैट इज 1 प्लस 1 2. सो हमें कैलकुलेट करने थे टोटल मोल्स. रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड से 2, रिएक्टेंट साइड से 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. यस, दिस इज द ऑप्शन फॉर विच डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, के पी विल बी इक्वल टू के सी. और यहां पर प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स? 2. किसके? किस गैस के? अमोनिया के, NH3 के. रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स? 4. कैसे? नाइट्रोजन का एक, डाइनाइट्रोजन का एक, और डाइहाइड्रोजन के तीन, एक प्लस तीन हो गए 4, 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. वेल सी ऑप्शन वाज कॉरस्पॉन्डिंग फॉर द सिचुएशन वेयर केपी विल बी इक्वल टू केसी. ऐसे हम निकालते हैं केपी और केसी की रिलेशनशिप. ओके, नाउ हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केएक्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा था कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं. अब इनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप है वो देखेंगे. देखो, सपोज आई हैव ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन एक्स ए गिव्स वाई बी. ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, एक्स ए गिव्स वाई बी. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन ए क्लोज्ड वेसल, ठीक है, और ये गैसेस रिएक्शन है, यानी बी ए और बी दोनों गैसेस हैं. तो देखो क्या हो जाएगा, केपी का वैल्यू क्या लिखो गया? केपी का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज्ड टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज्ड टू द पावर एक्स. ओके, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर केपी. अब केएक्स की एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप? केएक्स की, यानी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन, वो आप लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज वाई. डिनोमिनेटर में मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट एक्स ए रेज्ड टू द पावर इट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज एक्स. तो यही लिखोगे ना. अब प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में कौन सी रिलेशनशिप? कौन सी रिलेशनशिप? दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. और इसको मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, उसको पहले डिराइव करेंगे थोड़ा सा, वो मैं स्टार्ट करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए. तो फॉर आइडियल गैसेस, द आइडियल गैस इक्वेशन इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम पीवी इज इक्वल टू एनआर. दैट मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू एन बाय वी आर. तो यहां पे मुझे कितने गैसेस हैं? दो गैस. सपोज पहला गैस जो है ए गैस, इसके मोल्स हैं एनए, दूसरा गैस जो है इसके मोल्स हैं एनबी.
तो पहले गैस के मोल्स कितने हैं Na, दूसरे गैस के मोल्स कितने हैं Nb, ये एक ही वेसल में है, एक क्लोज वेसल में, तो बोलो प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय बी इनटू आरटी, प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय बी, क्योंकि सारे का सारे वॉल्यूम में बी भी है मल्टीप्लाइड बाय आरटी, और टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली एड अप होते हैं, डिवाइड बाय बी इनटू आर। अब देखो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा, इसको मैं इक्वेशन सेकंड लिखूंगा, इसको मैं इक्वेशन थर्ड लिखूंगा। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर लूंगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर लूंगा, व्हाट विल हैपन, देखते हैं क्या बनेगा। देखो प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर पी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा एन ए बाय बी आर टी, डिनोमिनेटर में एन ए प्लस एन बी बाय बी, क्योंकि टोटल प्रेशर के लिए एन टू आर टी, आर टी आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एन ए बाय बी इनटू वी बाय एन ए प्लस एन, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू Na divided by Na plus Nb. This is nothing but a mole fraction of A. Because number of moles of A divided by total number of moles of gas. What is this? This is the mole fraction of A. So partial pressure of A is equal to total pressure of A multiplied by mole fraction of A. Likewise, similarly, partial pressure of B, P, I, C expression mein hoga. That is total pressure multiplied by mole fraction. So jahan jahan bhi aapko partial pressures hai, B aur A ke, wahan pe aap mole fractions likh sakte ho. But along with the total pressure. Here, we can get the expression between Kp and Kx, a relationship between Kp and Kx. Dekho kaise hai. Kp is equal to, jahan jahan pe partial pressure hai, wahan pe mole fraction likh sakte hai. Pb, Pb ki jagah main kya likh sakta hu? Pxb. Ab, raised to the power y hai, to P ko bhi raised to the power y, Xb ko bhi raised to the power y. Denominator mein. Achha, Pa, Pa ko main kya likh sakta hu? Wahan se dekho, Px times A. P mole fraction of A. यहाँ पे residue of power x, इसको भी residue of power x. जो ये वाला part है, this one, it is nothing but kx. ये क्या है? kx. x is b raised power y, x is b raised power y. x a raised power x, x a raised power x. Mole fraction of B divided by mole fraction of A, residue to the power, respectively, y and x. Here, mole fraction of B, mole fraction of A, residue to the power y and x, respectively. So, ये क्या है? kx. So, kp is equal to kx. Into P, base are same, powers are subtracted, Y minus X. Y, Y is the number of moles of gases product, X is the number of moles of gases reactant, और हमें subtraction है इनका, that is delta NG. So, Kp is equal to Kx, P raised to the power delta NG. तो इस expression को भी आप याद रखो. अभी तक किसी exam में नहीं आई है, लेकिन फिर भी अगर किसी exam में पूछी जाए, तो आप लोगों को आनी चाहिए कि कैसे derive करते हैं. या कोई question, कोई numerical problem इस पे होगी, तो you can easily do it. ओके तो आगे चलते हैं. अब ठीक है, हम के एक्स की एक्सप्रेशन तो हमने बनाई विद रेस्पेक्ट टू केपी. अब इसी चीज को विद रेस्पेक्ट टू केसी बनाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. हम ये भी जानते हैं केपी इज इक्वल टू केसी आरपी रेज़ टू द पावर डेल्टा एनजी, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं. और यहां से हमें इक्वेशन बनी केपी इज इक्वल टू के एक्स पी रेज़ टू द पावर डेल्टा एनजी. अब इन दो इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेट कर लूंगा, आई कैन गेट द एक्सप्रेशन बिटवीन केसी एंड केएक्स. कैसे? केपी इज इक्वल टू दिस वैल्यू, केपी आल्सो इक्वल टू दिस वैल्यू, दैट मींस केसी आरटी रेज़ टू द पावर डेल्टा एनजी, आरएचएस ऑफ दिस इज इक्वल टू केएक्स पी रेज़ टू द पावर डेल्टा एनजी. सो केसी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इससे और इससे मुझे ये मिलता है केसी आरटी रेज़ टू द पावर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू केएक्स पी रेज़ टू द पावर डेल्टा. अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, सो के सी इज इक्वल टू के एक्स पी डिवाइड बाय आर पी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी. कॉमन मैंने किया डेल्टा एनजी रेज पावर, सो के सी इज इक्वल टू के एक्स. देखो आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इफ एन इज इक्वल टू वन मोल, अगर एन एक मोल है सो पी किसके बराबर बनेगा आर पी बाई वी, सॉरी वी किसके बराबर बनेगा आर टी बाई पी, सो 1 बाई वी किसके बराबर बनेगा P by RT. So P by RT की जगह क्या हम लिख सकते हैं 1 by V. So KC is equal to KX into 1 by V raised to the power delta NG. But this volume is
that much volume which carries or which contains one mole of an ideal gas, जिसमें सिर्फ एक मोल ऑफ आइडियल गैस है. जितना वॉल्यूम एक मोल ऑफ आइडियल गैस को कैरी करता है ये वही वॉल्यूम है, कोई और वॉल्यूम नहीं. तो यहां से हमने एक्सप्रेशन निकाली kp और kx के बीच में, और यहां से हमें एक्सप्रेशन मिली kc और kx के बीच में. ओके, अब थोड़े से न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन के इस पर करेंगे. नाउ सी, क्वेश्चन नंबर वन. Suppose I have a reaction which involves gaseous reactants and products, and the reaction is represented as A2 plus B2 gives 2 times A. A B भी gaseous form में है, B2 भी gaseous state में है, और A2 भी gaseous state में है. Okay? तो equilibrium by concentration of A B, equilibrium by concentration of B2 and A2 given है, and equilibrium the concentration of A2 is, suppose it is 4.5 into Pr is power minus 3 mole, और जो B2 की concentration है वो है 2 into 10 power minus 3, और जो AB की concentration है वो है 3 into 10 power minus 3 m. तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन है, और हमें बोलना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ kc एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ kp. ठीक, kp किसके बराबर होगा, kc किसके बराबर, kc इज इक्वल टू व्हाट एंड kp इज इक्वल टू इफ द टेंपरेचर इज, जो टेंपरेचर है, क्योंकि किसी टेंपरेचर पे ये वैल्यू होगा, टेंपरेचर सपोज 600 केल्विन है, और r का वैल्यू तो आपको पता ही है 0.0821. ओके, देखो kc के लिए मुझे एक्सप्रेशन है ab उस पे पावर 2, A2 इस पे पावर 1 एंड B2 इस पे पावर 1. लेकिन ये कौन से कंसंट्रेशन है, मैंने ऑलरेडी कहा कौन से कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, और हमें गिवन कंसंट्रेशन भी कौन से हैं, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन. वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ दीज कंसंट्रेशन इन द एक्सप्रेशन, हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही गिवन है, और हमें यूज भी करने कौन से हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. सो बोलो ए बी की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, सो दैट इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसका स्क्वायर मुझे करना है डिनोमिनेटर में. बोलो ए टू की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ओके 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बोलो बी टू की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज 2 इंटू 10 पावर 3, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3. तो यहां से ये एक सीधा क्वेश्चन था, डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन, क्योंकि कंसंट्रेशन साइड इक्विलिब्रियम गिवन थे और हमें वही यूज करने हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में. इसमें हमें बस इतना आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है. तो 3 3s are 9 into 10 power 3 2s are 6 minus 6 divided by 4.5 into 2 that is 9 into basis of same powers are added that is 10 is power minus 6. This will cancel out, this will cancel and it will be 1. So here the value of kc is equal to 1. kc का वैल्यू क्या है, 1. देखो अगर हम डेल्टा एनजी देखेंगे, डेल्टा एनजी दैट इज इक्वल टू 2 गैसियस प्रोडक्ट 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0. और हमने ये केस ऑलरेडी पढ़ा, इफ डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 केपी इज इक्वल टू केसी. तो इसका मतलब अगर केसी इज इक्वल टू 1 है तो केपी भी यहां पर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर. तो इस हिसाब से ऐसे सिंपल क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम concentrations of reagents at equilibrium अगर given है, हम इनको directly put करेंगे kc expression में, we will get the value of kc. लेकिन क्या तब अगर concentrations at equilibrium नहीं given है, initial concentration is given है या initial mole is given है, तो हमें तब concentrations at equilibrium find out करने हैं, और उसके बाद हम kc या kp का value निकाल सकते हैं. यानी कोई भी concentration इसमें put नहीं करना है, गलती ये ना करना कि initial concentration ही put करोगे, no, you have to first to find out the concentrations at equilibrium, because here we have the concentrations. और वो concentrations होनी चाहिए, moles नहीं, कुछ और चीज नहीं, ठीक है, okay? And then you can put it in the kc expression and you can get the value of kc, okay? Let us see a question. हम ऐसा एक question देखेंगे जिसमें concentrations तो given नहीं है, हमें concentrations first to find out करने हैं, उसके बाद हम kc निकालेंगे, ठीक है? देखो कैसे. क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन कैसा है,
एक रिएक्शन है जो कि 2 लीटर वेसल में हो रही है, एक रिएक्शन जो कि 2 लीटर वेसल में हो रही है, और रिएक्शन क्या है, दैट इज N2 + 2 times O2 gives 2 times NO2. यह है रिएक्शन, इट इज कैरिड आउट इन ए 2 लीटर वेसल, और इनिशियली क्या है आपके पास, या एट इक्विलिब्रियम क्या है, पहले एट इक्विलिब्रियम यू हैव N2 जो है आपके पास वो बचता है इक्विलिब्रियम पे, N2 जो बचा हुआ है दैट इज 2.8 ग्राम, O2 जो बचा है दैट इज 6.4 ग्राम, एंड NO2 जितना बचा है दैट इज इक्वल टू 9.2 ग्राम. ये है आपको रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑफ N2, O2 एंड NO2 एट इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटीज है इन टर्म्स ऑफ देयर वेट. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ KC, ठीक है, KC का वैल्यू निकालना है. आप जब KC एक्सप्रेशन लिखोगे, आप बोलोगे हमें KC की एक्सप्रेशन ऐसे है, एक्टिव मास ऑफ NO2 प्रोडक्ट का एक्टिव मास रेसिड्यू का पावर इट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स N2 एंड O2 रेसिड्यू का पावर इट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. चाहे तो हमें एक्टिव मास, लेकिन गिवन क्या है, मास, गिवन क्या है, मास, चाहे क्या हमें एक्टिव मास, यानी चाहे हमें कंसंट्रेशन, लेकिन गिवन क्या है, वेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम. सो इट इज इजी टू कन्वर्ट वेट फर्स्ट इनटू मोल्स एंड देन मोल्स को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, वी विल गेट द कंसंट्रेशन एंड देन वी कैन पुट इट इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ KC. देखो कैसे, 2.8 ग्राम्स है मेरे पास, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इज 2.8 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 दैट इज 28, सो 2.8 डिवाइड बाय 28 दैट इज 0.1. नंबर ऑफ मोल्स आप किसके निकालने हैं, O2 के, ऑफ O2, गिवन मास दैट इज 6.4 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, इस 2 को इनको इंक्लूड मत करना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 दैट मींस व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ, इट इज एक्चुअली मोलर मास, दैट इज व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 दैट इज 32, इट विल कम आउट टू बी 1/5 दैट इज मल्टीप्लाई 2 करेंगे डिवाइड 2 करेंगे दैट इज 2/10 एंड इट इज 0.2. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 की कितने मोल्स हैं? That is given mass 9.2 divided by molar mass, NO2 का molar mass, that is 14 for nitrogen and 32 for oxygen, O2, that means 46, yes it is 46, 9.2 into 5, it will become 46, 1/5 that is 0.2. So ये है number of moles of 0.1 moles of N2 at equilibrium, 0.2 moles of O2 at equilibrium and 0.2 moles of NO2 at equilibrium. But हमें number of moles नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, concentration. मैंने पहले ही बोला था it is in a 2 liter vessel. So 2 liter vessel में है तो we have to divide it by 2. All the moles will be divided by 2. मुझे N by V निकालना था, number of moles divided by volume. So N by V क्या होगा, N by V, number of moles कितने हैं, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एन बाई वी पहले किसके लिए मैंने निकाला, N2 के लिए, दैट इज इक्वल टू ये बनेगा 1/20 दैट इज 0.05, ठीक है, एन बाई वी फॉर ऑक्सीजन, नंबर मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फॉर ऑक्सीजन दैट इज 0.2 डिवाइड बाई 2, ये है 0.2, और इसी हिसाब से N by V for NO2, N by V for NO2 इस प्रोडक्ट के लिए दैट इज 0.2 डिवाइड बाई V दैट इज 0.2. अब इन वैल्यूज को पुट कर लो KC एक्सप्रेशन में, यू विल गेट द आंसर. सो KC इज कॉल्ड NO2 स्क्वायर डिवाइड बाई N2 प्लस O2 रेज टू द पावर 2, NO2 स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर divided by N2 that is 0.05 into O2 that is 0.1 square. This and this will cancel over, that is 1 divided by 0.05, it will become equal to 1/5/100 that is 100/5, 20. So the value of KC is 20. इस हिसाब से, यानी पहले मुझे निकालना पड़ा कि concentration at equilibrium क्या थी, and उसके बाद मैं इस question को solve कर रहा हूँ. Without obtaining the value of concentration of different reagents at equilibrium, we can't solve this question. Okay, let's go for third question.
इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा फर्दर क्लियर हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। सपोज मेरे पास है N2 plus O2 gives 2 times NO. Suppose I start with 3 moles of this, 3 moles of this and 0 mole of this. Product से तो मैं start करूंगा ही नहीं। Reactants मुझे पहले इसके 3 moles हैं, इसके 3 moles हैं और इसके 0 moles हैं। ठीक है, तो मुझे बोलना है अगर equilibrium पर क्या concentrations होंगी। ठीक है, equilibrium पर क्या concentrations होंगी। देखो, suppose Kc value is given and I have to find the concentration at equilibrium. Let Kc is equal to 36. तो मैं क्या बोलूंगा, initially at T is equal to 0, जब reaction नहीं हुई मेरे पास है 3 moles of N2, 3 moles of O2 and 0 moles of NO. When the reaction began, जब reaction start हो जाएगी, suppose इसमें से X consume हुआ और इसका stoichiometric coefficient 1 है, अगर इसमें X consume हो जाएगा, likewise इससे भी X consume हो जाएगा, क्योंकि stoichiometric coefficient gives us the information of relative amount of the reactants consumed or relative amount of the product formed when a reaction takes place according to the log mass action. ठीक है, तो यहाँ पे stoichiometric coefficients की importance है, वो हमें बोलते हैं कि किसका कितना amount use up या consume up हो जाएगा और किस तक कितना बनेगा corresponding amount. So अगर इसका x consume हुआ, क्योंकि stoichiometric coefficient अगर 1 है, मैं assume करूंगा x consume हुआ, इसका भी x से consume होगा, x से ज्यादा x से कम नहीं, क्योंकि दोनों का stoichiometric coefficient सेम है, तो इसका भी x consume होगा और इसका बना होगा twice what has been consumed for them, क्योंकि इसका stoichiometric coefficient क्या है, 2 है, तो इसका बना होगा 2 times x, क्योंकि stoichiometric coefficient या balanced chemical equation हमें information देती है कि अगर इसका 1 mole consume होगा, इसका कितने moles consume होंगे, 1 mole, और इसके कितने बनेंगे, 2 moles. तो इसका अगर x mole consume हुआ, इसका भी कितना हो जाएगा, इसका O2 का x, और इसका कितना बनेगा, 2x. So यहां पे मुझे stoichiometric को concentration में लाना पड़ा, 3 minus x, ये 3 minus x, ये 2x. ओके, अब देखो Kc किसके बराबर होता है, NO square divided by N2 and O2. ये तो आपको आता है, आप लिखना. So NO square, that means 2x square divided by N2 and O2, वो same है, 3 minus x and 3 minus x. So इसको लिख सकते हैं 2x divided by 3 minus x का whole square. ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं. तो Kc का value given है 36, तो मैं लिख सकता हूं 36 is equal to 2x divided by 3 minus x का whole square. 36 किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 6 का, इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 3 माइनस x का होल स्क्वायर. स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे निकलेगा 2x डिवाइड बाय 3 माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. पहले मैं पॉजिटिव पे करूंगा सॉल्व, फिर नेगेटिव पे, देखते हैं पॉजिटिव पे क्या होगा. So 2x divided by 3 minus x, 2x divided by 3 minus x is equal to 6, 2x is equal to 18 minus 6x, so इसको यहां लाओ, that means 8x is equal to 18, x is equal to 18 by 8, okay, x is equal to 18 by 8, तो अगर x 18 by 8 है, मुझे equilibrium concentration बोलने हैं, 18 by 8, क्या ये less than 3 है, greater than 3 है, it will be less than 3, it will come out to be 8 ones are 8, 8 twos are 16, यहां पे point, वहां पे 0, 8 twos are 16, वहां पे 4, 8 fives are 2.25, so 2.25 मुझे subtract करना है, तो यहां N2 की concentration क्या बनेगी, 3 minus 2.25, that is equal to 0.75 at equilibrium, इसकी भी 3 minus 2.25, that means 0.75 at equilibrium. इसका कितना बना होगा इक्विलिब्रियम पे, 2 into 2.25, that is equal to 4.5 at equilibrium. तो ये है अगर प्लस 6 पे मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया, अगर माइनस 6 पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, सो मेरे पास है 2x डिवाइड बाय 3 minus x is equal to minus 6, इसको मैं माइनस 6 के लिए सॉल्व कर लूंगा, तो मुझे बनेगा 2x is equal to 6 3s are 18, that is minus 18 plus 6x, तो इस 2 को वहां लूंगा, इट इज 4x is equal to 18, तो मेरे पास है x is equal to 18 by 4, तो 18 by 4 को सॉल्व करेंगे, 4 1s are 4, 4 4s are 16 and 4 5s are 20, so ये 4.5 आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि इनिशियल मोल्स मुझे 3 ही है और कंज्यूम हो रहे हैं 4.5, इट इज ट्रूली एब्सर्ड, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे इस वैल्यू को नेगलेक्ट करना है. अब
इक्विलिब्रियम पे कितना कंसंट्रेशन होगा, दैट विल बी 0.75 मोल्स ऑफ N2, 0.75 मोल्स ऑफ O2 एंड 4.5 मोल्स ऑफ NO। तो जो वही वैल्यू जो हमें सिक्स पोलर पॉजिटिव सिक्स पे आए। अगर हमें वॉल्यूम 1 लीटर है तो यही कंसंट्रेशन होंगे एट इक्विलिब्रियम, और अगर हमें कुछ और वॉल्यूम है, द वॉल्यूम इज समथिंग एल्स, तो हमें उस वॉल्यूम से डिवाइड करना है एंड दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। तो इस हिसाब से हमने देखा कि अगर केसी का वैल्यू गिवन है, हम कैसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालते हैं फॉर ए गिवन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि नीट और JEE में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपके मिसकंसेप्शन दूर हुए होंगे, आपके कंसेप्ट बिल्ड हुए होंगे और आपको एप्लीकेशन ऑफ केसी एक्सप्रेशन पता चला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। आप खुद से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लो, खुद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखो, जो क्वेश्चन आता है ठीक है, जो नहीं आता है वो मुझे मैसेज कर लो, कमेंट में लिखो, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।